अमरीका का पाकिस्तान में दहशतगर्दी और पुलिस एहलकारों के अगवा पर तश्वीश का इजहार। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा, पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दी के हाथों बहुत नुकसान उठाया। हमारे दिल क्वेटा में 9 नवंबर के धमाके के मुतासरीन के साथ हैं। मुतासरा खानदानों से हमदर्दी है। दहशतगर्दी रोकने के लिए हुकूमती रहनुमाओं से बातचीत के लिए पुरअज़्म है। सिविलियन और फौजी सलाहियत बढ़ाने के लिए मुशावरत जारी है। अमरीका में सिख शहरियों को दरपेश खतरात पर भारत से जवाब मांगा है। बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खात्मे के लिए जामिया फौजी ऑपरेशन का फैसला नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी ने मंजूरी दे दी। नेक्टा को दोबारा फॉल करने पर इत्तफाक, इंटेलिजेंस शेयरिंग और खतरात की तशखीस के मराकज कायम होंगे। सूबाई एपिक्स कमेटियों के जेर निगरानी जिले राबिता कमेटियां बनेंगी। इजलास का एलामिया, गैर कानूनी स्पेक्ट्रम और जराइम के गढ़चूड़ के खिलाफ मुश्तरक इकदाम किए जाएंगे। तकरीबकारी और गुमराह कुन मालूमात का फैलाव रोकने के लिए कसीरुल जहती काविशों पर भी इत्तफाक। इजलास में वजीर आजम ने सियासी इत्तफाक राय और मईशत मसबस कौमी इसम के फरोग पर जोर दिया। कहा, मिशन अजम इस्तेकाम की कामयाबी के लिए सियासी इस्तेकाम इंतहाई अहम है। विफाक और सूबों की अव्वलीन तरजीह दहशतगर्दी की अफियत का सरकुचलना है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने आवाम की हिफाजत और दहशतगर्दी से निमटने के लिए पाक फौज के अज़्म का इयादा किया। हमारे पास तो कोई चॉइस नहीं है कि सबसे पहले इसका सर को इसका कुचल दें, उसके बाद इट्स अबाउट इकोनॉमी, इट्स अबाउट उसके बाद इट्स अबाउट प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। नंबर वन इज दहशतगर्दी का खात्मा, नंबर दो दहशतगर्दी का खात्मा, नंबर तीन दहशतगर्दी का खात्मा। अंबेरी और आर्मी चीफ के पास दहशतगर्दी को कुचलने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। हमारा पहला, दूसरा और आखिरी ऑप्शन दहशतगर्दी का खात्मा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एपिक्स कमेटी इजलास में खिताब। कहा, नवाज शरीफ दौर में दहशतगर्दी का खात्मा हुआ, अब दोबारा दहशतगर्दी ने सर उठाया है। इस नासूर को ख़त्म ना किया तो सब कोशिशें सिफर हो जाएंगी। वज़ीर आज़म का क़याम अमन के लिए जवानों और अफसरों की कुर्बानियों को खराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा, मईशत आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है, मआशी तरक्की के लिए सूबों का तआवुन और आर्मी चीफ की काविशें काबिल सताइश हैं। अब हमें फैसला करना है कि धरने और लॉन्ग मार्च करें या मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। अदब से दरख्वास्त है, बैठकर सोचें और फैसला करें। जो कोई भी सिक्योरिटी में रुकावट बनेगा और हमें अपना काम करने से रोकेगा उसे नताइज भुगतना होंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का एपेक्स कमेटी इजलास में खिताब। कहा, गवर्नेंस में मौजूद खामियों का अजाला रोजाना की बुनियाद पर शहीदों की कुर्बानी देकर पूरा कर रहे हैं। आइन हम सब पर मुकदम है, आइन ही हम पर पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आयद करता है। इस जंग में हर पाकिस्तानी सिपाही है, सब ने मिलकर दहशतगर्दी के नासूर से लड़ना है। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर को मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। अदियाला जेल में वज़ीर आला केपी की बानी चेयरमैन से तफसीली मुलाकात। एपिक्स कमेटी इजलास और एहतजाज की तैयारियों से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक बानी ने कहा, मुज़ाकरात सिर्फ उनसे किए जाएँ जिनके पास पावर है। मुज़ाकरात के लिए मुतालबात पेश किए जाएंगे, मुतालबात तस्लीम होने तक एहतजाज ख़त्म नहीं होगा। अलीमा खान बोली, बानी ने एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की इजाज़त दी, बातचीत के लिए जुमेरात तक का वक्त दिया। चोरीशुदा मैंडेट की वापसी शर्त है, मैंडेट वापस मिल गया तो 24 नवंबर का एहतजाज जश्न में तब्दील हो जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की खैबर पख्तूनख्वा हाउस में बैठक, 24 नवंबर के एहतजाज पर तबादला ख्याल। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर से भी अहम मुलाकात। अली अमीन गंडापुर ने एपिक्स कमेटी में बानी पीटीआई की कैद और बेगुनाही पर हल्की फुल्की बात की। 99% बात सूबे में दहशतगर्दी के हवाले से की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बानी पीटीआई को एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत के लिए 9 मई का पुल अबूर करना होगा। अगर वो बासिद हैं कि 9 मई को कुछ नहीं किया तो फिर हालात नहीं सुधर सकेंगे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल बोले, किसी को किसी सियासी बात का कोई सियासी जवाब नहीं मिला। एपेक्स कमेटी इजलास का दो टोक पैगाम था कि सियासी और माशी बहाली के हवाले से किसी को शायद पीटीआई के समझदार लोग बानी पीटीआई को कायल करने में कामयाब हो जाएं। तहरीक इंसाफ के एहतजाज का बंदोबस्त, वजारत दाखिला ने सख्त सिक्योरिटी इंतजाम का फैसला कर लिया। कोई आया तो सामना पुलिस, एफसी और रेंजर्स से होगा। सिक्योरिटी एहलकारों के लिए रबड़ की गोलियां और आंसू गैस के शेल खरीदने की मंजूरी।
2000 पैलेट गन्स भी खरीदी जाएंगी। ज़राए वजारत दाखिला के मुताबिक शरपसंद अनासर के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई भी होगी। शरपसंदी करने वाले तालिब इल्मों की तालीमी असनाद और दाखिले मंसूब करने के फैसले पर गौर। शरपसंद अफराद के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड मनसूख और सिम ब्लॉक हो सकती है। पंजाब पुलिस ने भी तैयारियां कर लीं। पंजाब भर से 10,700 की नफरी स्टैंड बाय। पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ मजबूरी में बैठी है। इतिहाद करके वोटों की कुर्बानी दी मगर इतिहादियों ने सबक नहीं सीखा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का शिकवा, बोले बिलावल भुट्टो ने हुकूमत से वादे ना निभाने पर इजहार नाराजगी किया। ये मामला अब हाई लेवल पर चले गए, आगे का लाहे अमल सीसी में तय होगा। गवर्नर पंजाब ने पुरअमन एहतजाज पर जमात का सियासी हक करार दिया। कराची के इलाके कारसाज में नामालूम अफराद की फायरिंग। नाटी टू न्यूज़ के क्राइम रिपोर्टर नदीम अहमद जख्मी, तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल, हालत खतरे से बाहर है। वाकई की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। आजी सिंह गुलाम नबी मेमन का डीआईजी ईस्ट और डीआईजी सीटीडी से रबता, मुलजिमों की जल्द शनाख्त मुमकिन बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आला सिंध का 92 न्यूज़ के क्राइम रिपोर्टर पर फायरिंग का नोटिस, मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। एडिशनल आईजी कराची से रिपोर्ट भी तलब। वज़ीर-ए-इत्तला'आत सिंध शर्जील मेमन की वाकये की मजम्मत, मुलजिमान की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी यकीनी बनाने की हिदायत। पी एफ यू जे समेत सहाफी तनजीमों की मजम्मत, सदर पी एफ यू जे जी एम जमाली और सेक्रेटरी जनरल राना अजीम ने मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे का वक्त दे दिया। अदम गिरफ्तारी पर एहतजाज का ऐलान। फवाद चौधरी की भी 92 न्यूज़ के रिपोर्टर नदीम पर हमले की मजम्मत, सिंध हुकूमत से हमले की फौरी तहकीकात का मुतालबा। रूस ने एटमी हमले से बचाव के लिए मोबाइल पनाहगाहें बनाना शुरू कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक एटमी धमाके से शॉक व्यूज और ताबकारी समेत मुतादिद खतरा से बचाया जा सकेगा। पनाहगाहें खतरा से 48 घंटे तक तहफ़ फ्राहम कर सकती हैं। कंटेनर्स नुमा कमरे में 54 अफराद हंगामी तौर पर रह सकेंगे। इसराइल के जनूबी लेबनान में वहशियाना वार जारी, मजीद 30 अफराद शहीद। अक़वामे मुत्तहिदा की अमन फौज पर भी हमला, घाना के 4 फौजी जख्मी। हिजबुल्ला के साथ झड़पों में 1 इसराइली फौजी मारा गया। दूसरी जानिब गजा में भी दहशतगर्दी जारी, फजाई हमले में 50 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। मगरबी किनारे में भी कातिल फौज की फायरिंग से 2 फलस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए। गजा में शहदा की मजमू तादाद 43,972 हो गई, 1,04,000 से जायद जख्मी। हमास का मुज़ाकराती वफद दोहा में मौजूद नहीं, कतर की हुकूमत का ऐलानिया। तर्जमान वजारत खारजा माजिद अल अंसारी के मुताबिक हमास की मुज़ाकराती टीम में शामिल रहनुमा दोहा में नहीं हैं, लेकिन उनके सियासी दफ्तर को मुस्तकिल तौर पर बंद करने का फैसला अभी नहीं किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी नायब वज़ीर-ए-दाखला की मुलाकात, दो तरफा तालुकात और सरमायाकारी मंसूबों में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान में 2.8 अरब डॉलर की सऊदी सरमायाकारी पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा नायब वज़ीर-ए-दाखला का दौरा हसास शोबों में तआवुन के हवाले से अफ्रीकैन को करीब लाने में मदद देगा। पाकिस्तानी आवाम वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के पुरतपाक इस्तकबाल के मुंतज़िर हैं। उधर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। पाक अमरीका तालुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। स्मोक की शिदत में कमी, लाहौर और मुल्तान में भी तालीमी इदारे आज से खोलने का ऐलान। सुबह भर में बच्चों का तालीमी अमल जारी रहेगा। तलबा, साथसा और अमले के लिए मास्क लाजमी करार। होटल्स और रेस्टोरेंट्स के औकातकार भी तब्दील हो गए। फूड आउटलेट्स रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। उधर पंजाब भर में इंसदाद स्मोक कार्रवाइयाँ जारी, मजीद 17 भट्टे में स्मार, दर्जनों गाड़ियों के चलान मुतअद्दिद को बंद कर दिया गया। कराची में दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 का शानदार आगाज। पाकिस्तान के तैयार करदा दिफाई साजो सामान तवज्जो का मरकज बन गए। जंगी हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स, बहरी जहाज आप दोसे नुमाइश का हिस्सा।
मिसाइल सिस्टम, साइबर डिफेंस टूल्स, रिडार्स और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम भी नुमाइश में पेश। मकामी कंपनियों की जानिब से नई दिफाई मसनूआत मुतारिफ कराई गई। चीन, तुर्किया समेत 55 ममालिक के 550 से ज्यादा नुमाइश को निगरान शरीक। ईरान, इटली और बरतानिया की भी पहली बार नुमाइश में शिरकत। भारतीय बोर्ड और मीडिया प्रोपेगेंडे से बास ना आया। आईसीसी की जानिब से पीसीबी को हाइब्रिड मॉडल के लिए राशि करने का नया शोशा छोड़ दिया। भारतीय मीडिया का दावा, उनके मुताबिक आईसीसी के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बैक डोर राबते हुए हैं। आईसीसी पीसीबी को कायल करने में लगा है कि हाइब्रिड मॉडल अच्छा ऑप्शन है। भारत चैंपियंस ट्रॉफी में अपने मैच यूएई में खेलना चाहता है। चेयरमैन पीसीबी हाइब्रिड मॉडल से साफ इनकार कर चुके हैं। उधर भारतीय सरकार ने ब्लाइंड टी20 टीम को पाकिस्तान में शेड्यूल वर्ल्ड कप के लिए एनओसी जारी ना किया। भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन ने इवेंट से दस्तबरदार होने की तस्दीक कर दी। मेगा इवेंट 23 नवंबर से पाकिस्तान में शुरू होगा। भारतीय मौसीकार एआर रहमान की अहलिया का शादी के 29 साल बाद शोहर से अलहदगी का ऐलान। सायरा के वकील ने जोड़े में अलहदगी की खबर शेयर की। कहा, दोनों के दरमियान नाकाबिले हल इख्तलाफात तलाक की वजह बने। सायरा के लिए अलहदगी का फैसला बहुत मुश्किल और अजियत का बायस रहा। एआर रहमान और सायरा बानो की शादी 1995 में हुई। दोनों के 3 बच्चे हैं। अल मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का स्टारशिप रॉकेट लॉन्च कामयाब करने का तजुर्बा। 20 मंजिला सुपर हैवी रॉकेट को मिड फ्लाइट के बाद कामयाबी से वापस उतार लिया गया। रॉकेट ने बहिरा हिंद में हदफ पर महफूज लैंडिंग की। मिशन का मकसद चांद और मरीख पर खलाबाजों को पहुंचाने के बाद बाहिफाजत जमीन पर उतारना है। और लॉन्चिंग तकरीब में नौमंतखब अमरीकी सदर ट्रंप की भी शिरकत। अल मस्क के मिशन की तारीफ की। और इनकलाब, जिद्दत और शख्सी आजादी के अलमबरदार शायर फैज अहमद फैज की बरसी। फैज ने तरक्की पसंद सोच और नजरियात को शायरी का रंग दिया। इंसान पर इंसान के जबर की रौदात सुनाई। हमेशा मजलूम की आवाज़ बने। दुनिया से कूच कर जाने के 40 बरस बाद भी उनकी शायरी हर खासो आम में मकबूल है।